नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूँ खजूरी पुस्ता रोड पे। जी हाँ, खजूरी से करावल नगर होते हुए जो आप सवापुल लोनी टोनका सिटी जाते हैं, मैं उस समय इस समय वहाँ पे खड़ा हूँ और उस साइड पे आज आपको एक नई अपडेट देता हूँ जो कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए एक बहुत जरूरी है, खासकर इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। अच्छी खबर है, नई अपडेट है और अभी तक आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे क्या नई अपडेट आई है और कितना फायदा और नुकसान अब इस एरिया को होने वाला है, काम कितना तरक्की पे कितनी तेजी से चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे क्या नया ऐसा होने वाला है जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इफेक्टेड करेगा, कितना नुकसान हो रहा है कितना फायदा हो रहा है और अब क्या चेंजेस इस एरिया में इस प्रोजेक्ट पे हुए हैं, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूरे खजूरी से लेके सभापुर तक का जो एरिया है वहां तक की हम आपको खबर बताएंगे। और अभी हम बात करते हैं खजूरी पुस्ता यानी खजूरी चौक से लेके करावल नगर, सोनिया बिहार और चमन बिहार तक जो दिल्ली बॉर्डर है वहां तक की हम आपको अपडेट देते हैं, वहां के बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या नया अपडेट आप लोग के लिए आया है और कितना फायदा नुकसान इस एरिया के लोगों को होने वाला है। इस समय हम खड़े हैं खजूरी पुस्ता रोड पे और यह खजूरी से जाने वाला करावल नगर का वो रोड है जो खजूरी से होता हुआ सोनिया बिहार, करावल नगर, सभापुर होता हुआ टोनका सिटी जाता है और इस पर देखिए लगातार काम चल रहा है और आपके सामने ये जो पिलर का काम चल रहा है, यह फाउंडेशन इसकी भरी जा रही है और साथ साथ में इसके पिलर तैयार किए जा रहे हैं, लगातार काम चल रहा है ये देखिए। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी नया पिलर बनाने की यहाँ गड्ढा किया गया और आगे देखिए लगातार आपको इसको दिख रहा होगा कि खजूरी से यहाँ तक का ये सारे पिलर तैयार हो रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहे हैं और काफी दिक्कत यहाँ के लोगों को भी हो रही है क्योंकि ये देखिए ट्रैफिक यहाँ पे सिंगल रोड पे चल रहा है, बिल्कुल एक गाड़ी के जाने के लिए जगह निकल रही है जिससे बहुत दिक्कत यहाँ पे लोगों को हो रही है और कई बार यहाँ जाम लग जा रहा है, यहाँ कई कई घंटे लोग जाम में फंस जा रहे हैं। मगर काम चलता है तो वहां ऐसी दिक्कतें आती ही हैं। मगर इसके साथ यहाँ पे जो काम चल रहा है हम आपको उसके बारे में बताते हैं, ये देखिए लगातार यहाँ पिलर बन रहे हैं, काम चल रहा है और रोड को चौड़ा करने का भी काम साथ में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नई अपडेट अब आई है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये देखिए यह पुराना रोड था जिसपे अब काम चल रहा है एक्सप्रेस वे का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, उसके साथ साथ इस रोड को चौड़ा भी किया जा रहा है साथ में, ये देखिए ये रोड चौड़ा भी किया जा रहा है और ये पुराने रोड के साथ में यमुना खादर की साइड खजूरी कच्ची जो है उसके साथ में यहाँ पे काम चल रहा है, ये रोड चौड़ा किया जा रहा है और हम आपको बताते हैं इसकी लोकेशन मेंशन करते हैं, सामने वो खजूरी थाना है वो देखिए आपके सामने ये। और इसके साथ साथ में यहाँ देखिए जिस तरीके से यहाँ लगातार काम चल रहा है चौड़ा करने का इसको, वो आपके सामने है तस्वीरें और इसमें लगातार मशीनें काम कर रही हैं, इसके बराबर में इसको ऊंचा करना है, इसके बराबर में इसको ऊंचा करना है उसका काम चल रहा है। और सामने दिल्ली पुलिस यह जो आपको दिख रहा है ये बूथ सा, यह दिल्ली पुलिस का वो एरिया है जो सीआरपीएफ कैंप कहलाता है, दिल्ली पुलिस का एरिया कहलाता है और यही सबसे पहले इस एरिया की पहचान हुआ करती थी, आज बहुत एरिया डेवलप हो चुका है मगर इसकी पहचान आज भी वही है, लोग इसके नाम से इसके आसपास के एरिया को जानते हैं। और यहाँ पे लगातार जो काम चल रहा है वो हम आपको बताते हैं, अब नई अपडेट जो आई है वो हम आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ आसपास के जो मकान हैं जो यहाँ लोग रहते हैं बिल्कुल सड़क के किनारे ये मकान जो लगे हुए हैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल सड़क के साथ में लगे हुए हैं और इनके मन में हमेशा डर रहता है कि हमारे मकानों का क्या होगा, जो रोड चौड़े हो रहे हैं या कितना रोड चौड़ा होगा कितना टूटेगा, क्या हमारी जिंदगी भर की कमा जो यहाँ पे जमा पूंजी है जो हमने अपनी जिंदगी में कमाया है उससे जो हमने अपने बच्चों के लिए एक छत तैयार की थी, एक मकान अपने लिए बनाया था अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, अपने लिए जो हमने रहने के लिए यहाँ आशियाना तैयार किया था, वो कहीं इसकी भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। तो उसी को लेकर हम एक नई अपडेट लेके आए हैं और जो इस एरिया के लिए काफी अच्छी खबर है, उन यहाँ पर रहने वाले लोगों को इससे काफी सुकून मिला क्योंकि उनके मन में हमेशा डर और भय रहता है कि मकान हमारा कब चला जाए, कब टूटे, कितना टूटेगा, यह हमेशा उनके मन में डर रहता है। मगर यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी और उनकी पूरी टीम ने इस पे वर्क किया और कुछ नई अपडेट आई हैं जो इस एरिया के लिए फायदेमंद है, जो हम आपको विस्तार से डिटेल में समझाते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है और कैसे कैसे यहाँ पे चीजें
होने वाली है, कितना फायदा इस एरिया को होने वाला है, यहाँ के लोगों को जो आसपास रहते हैं उनको कैसे इससे बचाव होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आइए विस्तार से हम उसके बारे में बताते हैं। इन मकान में जो रहते हैं उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। अभी हमने आपको खजूरी थाने के आसपास की जो लोकेशन दिखाई थी उसके बारे में हमने आपको बताया, और अब हम आपको बताते हैं जो मेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये देखिए, ये मकान बिल्कुल इस रोड से लगे हुए हैं, और जहां इन सबको डर है कि कहीं हमारे मकान ना चले जाए, आइए हम आपको अब इस पे विस्तार से बताते हैं। ये देखिए, ये रोड के साथ साथ इसको बराबर से ऊंचा किया गया है, और ये खजूरी से ही होता आ रहा है। और ये देखिए, ये सीआरपीएफ कैंप जो है या दिल्ली पुलिस जो है उस एरिया के बराबर में, देखिए ये पूरा एरिया ऊंचा किया जा रहा है इस रोड के बराबर में। इस रोड के बराबर में यहाँ ये आना है, और इसको बिल्कुल एक लेवल में आना है। मगर इसके साथ साथ एक नया जो डेवलप हुआ है इस एरिया के लिए, वो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, जो इस एरिया में रहते हैं बिल्कुल रोड के साथ में लगे हुए। ये देखिए, यहाँ जिनके मकान है उन सबके लिए काफी राहत भरी खबर है। इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये सुकून देगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी और उनकी पूरी टीम ने इस पे काफी होमवर्क किया, और जैसा हमने कई बार हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसको लेके भी उस पे माथापच्ची हुई कि यार लोगों के साथ दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, उनके बच्चों का आसाना चला जाएगा, उनके ऊपर से छत चली जाएगी, उसको लेके यहाँ पे नया डेवलप हुआ है। अब ये देखिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं, और हो सके तो इस खबर को जितना हो सके आसपास के लोगों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ साथ में इस खबर को शेयर करिएगा, क्योंकि यह इस एरिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। खजूरी से लेके और यूपी बॉर्डर तक, यानी सभापुर तक, जो चमन बिहार एरिया है, जो लास्ट बॉर्डर है दिल्ली का, वहां तक के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। ये देखिए, लगातार काम चल रहा है, ये देखिए मशीनें काम कर रही हैं, मगर इसके साथ साथ जो नया डेवलप हुआ है, जो इस एरिया के लिए राहत भरी खबर है, हम आपको वो आप बताते हैं। ये देखिए, ये रोड यहां से यहां तक है, मगर अब यहाँ के जो सांसद हैं उनकी पूरी टीम ने इस NHAI के साथ काफी मशक्कत के बाद कुछ नया डेवलप किया है। ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री वॉल है, पहले ये रोड यहीं तक चौड़ा होना था, इस बाउंड्री वॉल तक ही चौड़ा होना था, जिससे काफी दिक्कतें आ रही थी, इस आसपास के मकानों पे खतरा मंडरा रहा था, मगर अब यह चेंज हो गया है। जी हाँ, इन मकानों को बचाने के लिए काफी मशक्कत की गई, और अब यह मकान के साथ में जो एरिया है, वो रोड जो है वो इधर शिफ्ट किया जा रहा है। जो आपके यूटर्न बनेंगे, जो आपके यहां से चढ़ने उतरने के एरिया बनाया जाएगा, वो इन सब एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, और काफी हद तक इधर ये चीजें बनेंगी। और इसके अंदर ये देखिए, ये जो बाउंड्री वॉल है, अब इसके अंदर जमीन ली गई है सरकारी, सरकार से इसकी पूरा एग्रीमेंट हुआ है, लिखित में कार्रवाई हुई है, और इस रोड को चौड़ा करने के लिए, यानी अब यह रोड यहां तक ना होकर चौड़ा इसके अंदर जाएगा, करीब 5 मीटर अंदर जाएगा यह रोड, और 5 मीटर अंदर जाने का मतलब यह हो गया कि आसपास के जो एरिया हैं वो काफी बच जाएंगे, करीब 15 फुट की जमीन इधर निकल के और आएगी, और सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी है, और इस सीआरपीएफ कैंप के लोगों के अधिकारियों से बात हो गई है, और अब इन मकानों पे खतरा ना के बराबर है। कोई रियर ऐसा मकान होगा जो इस एरिया में बिल्कुल जड़ में बना होगा रोड के, जिसकी मजबूरी है हटाना, तो ही शायद जाएगा, वरना इस एरिया में कोई भी अब मकान नहीं टूटेगा। हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं, कोई भी मकान इस एरिया में नहीं टूटेगा, और इसको इस एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। इस पूरे रोड पे, इस बाउंड्री वॉल के अंदर अब जमीन ली गई है, और ये बाउंड्री अंदर होगी, ये बाउंड्री NHAI इसको बना के देगा, अंदर हाइट करके ऐसे ही बाउंड्री वॉल को बना के देगा, और इसके अंदर अब ये रोड शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ के मकानों को बचाया जा सके, और इस पे एक अच्छा डेवलप अब यहाँ देखने को मिल रहा है, कि लोगों के मकान भी बच गए, यहाँ के रोड भी चौड़े हो रहे हैं, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है वो भी अब तसल्ली से चलेगा, ताकि किसी का मकान ना जाए, किसी का आसाना ना जाए, किसी के बच्चों को सर के ऊपर से छत ना जाए, और जिसने अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ कमाई यहाँ लगा दी है, इस घर को, इस घरौंदे को, इस अपने आसाने को बनाने के लिए, उन सबके लिए अच्छी खबर है कि अब खजूरी से लेके, हम आपको बात एक क्लियर कर दें, जो खजूरी है वहां से लेके करावन नगर
इस पुस्ता रोड पे कहीं भी कोई मकान नहीं टूटेगा और इसका आश्वासन हमारे को अधिकारियों और यहाँ के सांसद प्रतिनिधि और कई लोगों ने दिए हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी, सबको अब सेफ कर दिया गया है और कोई भी मकान नहीं टूटेगा। एकाध बात ऐसी भी बोली उन्होंने कि हाँ, एकाध मकान ऐसा हो सकता है जो चला जाए, जो बिल्कुल रोड की जड़ में ही हो, वहां मजबूरी हो जाएगी, वो भी कोई शायद एकाध मकान ऐसा हो, 1% चांस है, वरना अब हमने इस पूरे एरिया को सेफ कर दिया गया है और कहीं भी कोई मकान नहीं टूटेगा। और यह जो सीआरपीएफ कैंप की जो एरिया है इसके अंदर डेवलप कर दिया गया है, इस रोड को और चला करके अंदर कर दिया गया है ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा सके और यहाँ का जो रोड है, रोड के उस पार कहीं तोड़फोड़ ना हो, किसी के मकान पर कोई खतरा ना आए और यहाँ पे शिफ्ट करके इसको इधर चौड़ा किया जा रहा है। और इसका एग्रीमेंट भी हो चुका है, इसका कागजी कार्रवाई हो चुकी है और अब बहुत जल्दी आपको यह एरिया ऐसा डेवलप भी दिखाई देने वाला है। तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस एरिया के हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचाए, ज्यादा शेयर करें अपने सभी जानने वालों को, अपने इस एरिया में रहने वाले दोस्तों को और सभी ग्रुपों में, ताकि लोगों को एक अच्छी खबर मिले कि अब उनके सर के ऊपर से ये छत नहीं जाएगी, उनके मकानों से जो खतरा था वो टल गया है और कोई भी मकान ऐसा नहीं टूटेगा। अगर कोई इमरजेंसी नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसका मकान बिल्कुल इस रोड की जड़ में आ गया है, तो किसी का भी मकान नहीं जाएगा। अगर उसका मकान बिल्कुल जड़ में आ गया, मजबूरी हो गई है, तो ही उसका मकान जाएगा और वो भी शायद 1% चांस है, अदरवाइज ऐसा कोई भी इस एरिया में अब मकान और किसी का छत, किसी के घर पे कोई आंच आने वाली नहीं है। यह हमारे को आश्वासन मिला है और इस पे पूरी लिखित कार्रवाई हमने देखी है, हमने उसको अब कुछ प्रूफ को खुद खंगाला है, उन अधिकारियों से मिले हैं, उन लोगों से मिले हैं, उन सांसद प्रतिनिधियों से मिले हैं, उन अधिकारियों से मिले हैं जिन्होंने इस पे हमारे को आश्वासन दिया है और लिखित में हमें वो चीज दिखाई है। इसीलिए हम आज खुल के ये बात कर रहे हैं कि इस एरिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और खजूरी से लेके सभापुर तक, जो दिल्ली बॉर्डर तक आता है एरिया, वहां कहीं भी यह मकान नहीं टूटेंगे। यह बहुत अच्छी खबर है इस एरिया के लिए और इस रहने वाले खजूरी पुस्ते पे जो रहते हैं लोग, खजूरी पुस्ते से लेके करावल नगर, चमन बिहार, सोनिया बिहार, सागरपुर और यह सारा जो करावल नगर एरिया है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह खबर भेजिए ताकि उनको भी थोड़ी तसल्ली मिल सके और उनके मन का डर भी निकले। एन भारत टीवी, खजूरी पुस्ता रोड, दिल्ली।